కరా కొట్టు ఆహా నా పెళ్ళంట ఓ నా పెళ్ళంట मैं इधर था मैं आज मैं राधा की नानी दीदी जो जिनकी वजह से मैं काम पे जा पाती हूँ बहुत ज़रूरी होता है यार, क्योंकि राधा इतनी छोटी थी जब मैं ये फिल्म शुरू की थी तो सिर्फ 11 महीने की थी। तो घर में जितनी सारी दीदियाँ जो काम करती हैं उन्होंने इतनी हेल्प करी और हमेशा ध्यान रखा। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा हेल्प आंध्र मम्मी का रहा है, बट दीदियों का बहुत हेल्प रहा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। तो मैं उनको मूवी दिखाने लाई आज, उनको मज़ा आया देख के। और इट्स रियली नाइस यार, फिल्म अभी अच्छी कर रही है, मैं इतना खुश हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल। दिस इज़ अमेजिंग। आप लोग के प्यार के लिए बहुत 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 थैंक यू। कैसा रिस्पॉन्स था उन सभी का, क्या कुछ उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिए? आई थिंक इट्स ये ऐसी फिल्म है जब सब खड़े होके दे स्टार्ट क्लैपिंग एंड इट्स रियली स्वीट। और 2-3 अक्टूबर सुन के हंसने लगे लोग, और जो रियल रिएक्शन देखने में बहुत मज़ा आता है कि पता चलता है कि लोग क्या कैसा फील कर रहे हैं। और सो इट वाज नाइस। थिएटर में इतने सारे लोगों को देखने के बाद कैसा रिएक्शन था? कुछ रिएक्शंस आपने सुने किसी के कमेंट्स एंड ऑल? हाँ, जब आई थिंक द बेस्ट वन वाज व्हेन गायतोंडे कम्स बैक, सब हंस रहे थे, क्लैप कर रहे थे यकीन के साथ। नहीं, वो लाइंस बड़ी इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली यूज्ड इन द फिल्म। पर जब जिस सीन में मेरे से गलती हो जाती है वो इट वाज द बेस्ट सीन आई थिंक, क्योंकि मेरा नेफ्यू भी आके मुझे बोलता है क्या बुआ क्यों and I went back and asked अभिषेक, अभिषेक मुझसे क्यों। पर आई फील आई मीन एवरी वन लव्ड इट। सब लास्ट मिनट तक किसी दीदियों को नहीं पता था क्या होने वाला है, एंड आई फील किसी को भी नहीं पता था ये थ्रिलर। इट्स वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म है अभिषेक। अजय सर सो गुड इन इट, हिज आई स्पीक, ही सो इंटेंस। इतनी बार देखने के बाद दोबारा हिज एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज फ्रेश, यू फील लाइक वॉचिंग इट अगेन। ताबू मैम तो आई लव हर। अक्षय खाना सर, सो इट वाज जस्ट अमेजिंग टू सी एवरीवन लाइक come together and yeah, काम करने में बहुत मज़ा आया, नंदिनी बनने में बहुत मज़ा आया, और आज दोबारा से देखने में और बहुत मज़ा आया। I don't know यार, I think अभी राधा को समझ आने लगा है क्रिसमस, ये सब लाइट्स पसंद आने लगी है, केक समझ आने लगा है, तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग नाउ। So maybe we'll do something for her. मज़ा आएगा। Any new projects? Any surprise to the masses? ये दृश्यम काफ़ी है अभी। हाँ, No I'm doing कब्जा, वो पैन इंडियन फिल्म है, वो सुदीप और उपेंद्र के सर के साथ है। Then there is after that there is म्यूजिक स्कूल, वो शर्मन जोशी के साथ है। And then yeah, hopefully I get all your love and I keep working. Thank you so much. Thank you. आप लोग ने देखी मूवी? मैंने देखा।